हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मसाला राजमा और जीरा राइस की। ये रेसिपी सभी को पता है, बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही लोग इसको खाना पसंद करते हैं। तो चलिए आज मैं अपने तरीके से आपको बताती हूँ कि राजमा की रेसिपी मैं कैसे बनाऊँगी। सो प्लीज़ देखिए, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अच्छे से हर चीज़ को देख सकें कैसे हमें जीरा राइस बनाने हैं और राजमा बनाना है। मैंने राजमा को करीब 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। अब मैं तैयारी करती हूँ उसके मसाले की। मैंने लगभग 2 से 3 टमाटर और 2 अनियन को कट करके रफली चॉप्ड करके गार्लिक और जिंजर डाल के उसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। ये देखिए, ये सारे मसाले मैंने, खड़े मसाले जो है, इसको रोस्ट कर लिया है अच्छी तरीके से। और अब मैंने इसको बॉईल करने के बाद ठंडा किया। उसके बाद मैंने इसको जार में डाल के इसका मुझे पेस्ट बनाना है। और जो रोस्ट मसाला था उसको मैंने दरदरा पीसा था और उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इधर राजमा बॉईल हो गया है, 6 से 7 विसल मैंने इसमें लगाई है। राजमा अच्छे से बॉईल हो चुका है। चलिए अब इसको बनाने को की प्रिपरेशन देखते हैं। एक कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया है, 2 से 3 चम्मच ऑयल इसमें डाला है, थोड़े से बे लीफ यानी कि तेज़पत्ता, और जो पेस्ट मैंने रेडी किया था टमाटर से वो डाला है, और कुछ टोमेटो मैंने चॉप करके डाल दिए, लगभग 2 अच्छे छोटे छोटे चॉप करें और डाल दें, इससे मसाले में बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। 1 चम्मच हल्दी और मिर्च और धनिया पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अनुसार, और गर्म मसाला भी डालें, 1 आधी चम्मच डाल दें क्योंकि हमने ऑलरेडी गर्म मसाला डाला हुआ है दरदरा करके रोस्ट करके। तो इन सब मसालों को अच्छी तरीके से हमें अब भूनना है, क्योंकि जब तक ये अच्छे से नहीं बनेगा सब्ज़ी भी अच्छी नहीं बनेगी। अब इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनते जाएँ, क्योंकि थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल दें और जब तक तेल ऊपर ना आ जाए इसको अच्छे से चलाते जाएँ। फ्लेम को मीडियम रखें, ढक्कन ढक दें ताकि तेल ऊपर अच्छे से आ जाए। इस तरीके से बनाएं, रेडी हो चुका है मसाला। अब मैंने इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। दूध बिल्कुल ना ठंडा हो और ना बहुत गर्म हो, नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध जो होता है वो डाल दीजिए। अब आप देखिए इसका कलर और इसका टेस्ट कितना इन्हेंस होकर आएगा। इसको धीरे धीरे पकने दें और जब तक कि पूरा तेल ऊपर ना आ जाए तब तक राजमा को ना डालें। अब आप देख सकते हो ऊपर ऊपर तेल आ गया है, यानी कि मसाला हमारा पक गया है। जो हमारे पास बॉयल राजमा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको धीरे धीरे पकने दें, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में इसका जो है करी अच्छे से नहीं बनती है। सो इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ दें और धीरे धीरे पकने दें खोल कर ही। और आप देख सकते हो राजमा बिल्कुल रेडी हो गया और मैंने इसको सर्विंग बाउल में डाल दिया है। कितना टेस्टी और यमी राजमा बिल्कुल रेडी हो गया। अब बनाते हैं जीरा राइस। देखिए, मैंने 1 चम्मच से 1.5 चम्मच देसी घी लिया है। इसमें मैंने जीरा 1/2 चम्मच और करी पत्ता और ग्रीन चिली को कट करके डाला है। और चावल मैंने पहले से ही बॉयल करके रखे हुए थे। देखिए इस तरीके से उसमें डाल दें और चला दें अच्छे से। 3 से 4 मिनट तक उसको गैस पर रखें, चलाते जाएं, थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। लीजिए, तैयार है आपका जीरा राइस मज़ेदार। और राजमा से आप इसको खाएंगे तो आपको खाकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बढ़िया लगते हैं खाने में। सो आप इस तरीके से बनाएँ, और सर्व करने के तरीके तो फिर आप लोग कैसे भी सर्व कर सकते हैं। देखिए, मैंने इस तरह से प्लेट में सर्व किया है, कितने और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल राजमा आपका रेडी है। घर पर बनाएं, सबको खिलाएं, और इस तरीके से ये प्लेन राइस के साथ मैंने राजमा को सर्व किया है। अगर आपको पसंद है, नहीं तो आप जीरा राइस के साथ इस तरीके से जो मैंने बनाया है, आप चपाती के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ चाहें आप खा सकते हैं। और एंजॉय करिए इस राजमा को। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये राजमा और राइस कैसे लगे। सो देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।